नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डेली स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट जो है जो एक डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट उसको गवर्न करती है उसको रेगुलेट करती है उसको सुपरवाइज करती है डेली स्टेट डिपार्टमेंट में काफी कुछ इश्यूज प्रोफेशनल्स को आ रहे हैं और यहाँ की जो एक बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है प्रोफेशनल्स को सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन विच इज एशिया बार और वो बार प्रोटेस्ट कर रही है इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफिस एंड इन दिमाइसिस ऑफ द जी एस टी स्टेट डिपार्टमेंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इशूज हैं जिनकी वजह से प्रोफेशनल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिपार्टमेंट में जो काम हो रहे हैं उनको लेके क्या इश्यूज आ रहे हैं फ्रेंड्स दिल्ली जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर जिसके अंदर सर्विसेज को लेके काफी ज्यादा इश्यूज शुरू से ही होता आ रहा है दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी पावर्स एक्सरसाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ लिमिटेड पावर्स हैं उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा डिपार्टमेंट है सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट उनको भी पैरेलल पावर्स हैं अब हुआ क्या है जीएसटी में कि जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो ऑर्डिनेंस पास करके सर्विसेज का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया तो जितने भी ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर्स हैं सीनियर ऑफिसर्स हैं दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू देंट्रल गवर्नमेंट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ डेली तो हमारे जो दिल्ली का जो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल हेडलेस डिपार्टमेंट है उसका कोई हेड नहीं है उसका कोई मिनिस्टर नहीं है क्योंकि उसको जो हेड करते हैं वर्चुअली जो उसको हेड करते हैं ही इज नॉट प्रैक्टिकली कमिंग टू द ऑफिस ऑफ जीएसटी स्टेट डिपार्टमेंट ही इज ऑफ सीनियर ऑफिसर श्री ए एन बरासू ही इज ऑफिसर ऑफ सिक्स बैच ये ए एन बरासू जी हैं इनके पास तीन चार्जेस हैं इनके पास पहला चार्ज है कि ये दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं जो कि एक फुल टाइम जॉब है दूसरा चार्ज है इनके पास पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी हैं विच इज अगेन अ फुल टाइम जॉब और तीसरा एडिशनल चार्ज इनको दे दिया है प्रिंसिल प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट अब एसटीबीए की क्या डिमांड है एसटीबीए की पहली डिमांड है कि जो कैंसिलेशन एप्लीकेशंस प्रोफेशनल्स ने ट्रेडर्स ने फाइल करी हुई हैं दे आर पेंडिंग फॉर लास्ट 3 इयर्स उससे भी ज्यादा तीन तीन साल से पेंडिंग है कैंसिलेशन की एप्प्लीकेशन डिपार्टमेंट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है ना उनको रिजेक्ट करता है ना उनको एक्सेप्ट करता है और कई केसेस में वो रिजेक्ट उनको कर देते हैं तो उनको वापस से सारी की सारी रिटर्न अपनी फाइल करनी पड़ती हैं और वो भी एक नॉन स्पीकिंग इनवेलिड शोक नोटिस के साथ ये एक डिमांड है प्रोफेशनल बॉडी की दूसरी डिमांड है प्रोफेशनल बॉडी की कि आपने जो सत्रह अठारह के शोकोज नोटिस को एडजुडिकेट कर दिया है उनमें आप रेक्टिफिकेशन के लिए एक एसओपी लेके आइए कि जिन नोटिस में रिप्लाई फाइल्ड है केसेस मेरिट्स पे हैं जिनमें डीआरसी जीरो थ्री से पेमेंट कर दी है ट्रेडर ने उसके बावजूद भी क्या उसको अपील में ही जाके उसको शॉर्ट आउट कराना पड़ेगा क्या उसकी आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप सब जानते हैं कि अपील कब एजुडिकेट होगी उसके अंदर टेन परसेंट प्रीडिपोजिट करना पड़ेगा इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा एंड सो मेनी अदर इश्यूज तीसरी डिमांड है प्रोफेशनल बॉडी की कि इन्होंने एक सीआरसी बनाई है सीआरसी का मतलब है सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सेल डिपार्टमेंट के कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को बिठा के एक हॉल में जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन स्टेट्स को अलॉट करता है जीएसटीएन वो सीआरसी प्रोसेस करती है सीआरसी के जो ऑफिसर्स हैं वो मनमाने तरीके से अपने काम करते हैं वो जो कि बेसलेस क्वेरीज रेस करते हैं जीएसटी पे और ऐसा सुनने में आता है कि बिना क्वेरी के तो कोई एप्लीकेशन आज तक अप्रूव ही नहीं हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में ये डिमांड है प्रोफेशनल बॉडी की कि सीआरसी को फिर से डिसमेंटल किया जाए और रजिस्ट्रेशन का जो भी वर्क है वो रिस्पेक्टिव वोड्स में ताकि एलोकेट किया जाए ताकि एक प्रोफेशनल एक ट्रेडर अगर उस प्रॉपर ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो वो उनको दूर कर सके दुरुस्त कर सके सीआरसी के अंदर प्रोफेशनल्स की एंट्री को बैन कर दिया गया है कोई भी प्रोफेशनल सीआरसी के ऑफिसर से जाके मिल नहीं सकता है और अगर वो मिलेगा नहीं तो उन क्वेरीज का कैसे जवाब देगा और ऑनलाइन जब वो रिप्लाई करता है तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ये डिमांड है इस सीआरसी को कैंसिल किया जाए इसको डिसमेंटल किया जाए और के अंदर वापस रजिस्ट्रेशन का काम चालू हो चौथी डिमांड है प्रोफेशनल बॉडी कीटेड नोटिस ये, ये लोग जनरेट कर रहे हैं इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए मित्रों शोकोज नोटिस का जो काम है बड़ा ही एक अहम काम है जीएसटी के अंदर या किसी भी टैक्सेशन कानून के अंदर शोकोज नोटिस एक बड़ा ही डिटेल्ड गहन डिस्कशन के बाद प्रोसेस के बाद कोई भी ऑफिसर इशू कर सकता है दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एस सी एन इशू करने से पहले आपके पास एलिगेशन हो प्लस आपके पास एविडेंसेस अगर आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि एलिगेशन क्या है किस रूल का मैंने वॉयलेशन किया आपके अगेंस्ट मेरे खिलाफ क्या आपके पास एविडेंसेस हैं उसके बाद आप शोकोज नोटिस इशू कर सकते हैं और कानून के अंदर जो रूल 142 है वो प्री शो की बात करता है प्री कंसल्टेशन में एन से पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है मुझे कि आप बताइए आपकी ड्राफ्ट डिमांड है, है अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो इसको पे कर दीजिए अदरवाइज हम एस सी इशू करेंगे तो एक तरीके का एस से पहले का कंसल्टेशन होता है टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर के बीच उसको बाईपास किया गया है उसके अलावा द क्वालिटी ऑफ शोकोज इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड दे आर अनसाइंड बिल्कुल ऑटोमेटेड हैं दे आर जनरेटेड फ्रॉम फ्रोम एआई एप्लीकेशन जो इन्होंने तेलंगाना से इंपोर्ट करी है प्रोफेशनल बॉडी मांग करती है डिमांड करती है कि इसको खत्म किया जाए और ए आई बेस्ड नोटिस इंटरवेंशन के साथ एक कानून को ध्यान में रखते हुए एक डिटेल्ड और स्पीकिंग शो को इशू किया जाए वो भी उन केसेस में जिनमें जेनुअनली रीजंस हैं आपके पास एलिगेशन और एविडेंसेस हैं आपके पास क्योंकि अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं होंगे एलिगेशन ठीक नहीं है तो शो कोर्ट like तो इसको लेके जो लोग ऑथराइज नहीं अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या फिर कोई भी सेल्स टैक्स जो प्रोफेशनल जीएसटी पी जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रोफेशनल या फिर क्लाइंट जो है टैक्सपेयर उसका एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय या फिर क्लाइंट हिमसेल्फ ये कुछ लोग आ सकते हैं लेकिन डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा ऐसे लोग मिसकरेंट्स लोग अपीयर हो रहे हैं जो कि ना तो प्रोफेशनल हैं ना ही उनके एम्प्लॉयज हैं ना ही वो खुद टैक्सपेयर हैं ऐसे लोगों की एंट्री को भी डिपार्टमेंट के अंदर बैन किया जाना चाहिए तो ये कुछ मुद्दे थे ये कुछ इश्यूज थे जिनको लेके जो प्रोफेशनल बॉडी है दिल्ली में जो दिल्ली के ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करती है स्टेट में जिसका नाम है एस वो प्रोटेस्ट कर रही है पिछले लगातार दो तीन दिनों से और उसको काफी अच्छी कवरेज भी मिली है मीडिया में मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का ये आप तक पहुंचाना है उन बातों को जो कि आपके लिए ये प्रोफेशनल बॉडी उठा रही है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग जीएसटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बिजनेस के साथ जो जीएसटी के इन जो कानूनों हैं उनका जो पालन कर रहे हैं अच्छे से इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत